brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पे आज जो है जयप्रकाश जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है इस लोकसभा से रोड शो निकाला है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, रोड शो निकाला है, क्या कहेंगे? काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के। मैं क्या कहूँ, मैं किसान का बेटा था और जिस तरीके से लोगों ने मुझे गले लगाया, नौजवान भाइयों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मैं ता जिंदगी इनका आभारी रहूंगा। अच्छा, वही अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी में भी लगातार जो है फूट दिखाई दे रही, क्योंकि जो कुमारी सेलजा का जो नामांकन था उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे थे। अच्छा, न्यू बताइए, अरे बात समझ में नहीं आती, सारे एक जगह कैसे पहुंचेंगे? उस दिन अरुण मुलाना का भी नॉमिनेशन था, वहाँ भी तो कर रहे थे, कुरुक्षेत्र का नॉमिनेशन था। तो लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जो है किससे मुकाबला मानते हैं आप? बीजेपी अड़नकर मेरी पहला वाला कुश्ती ओली 1998 में बीजेपी का प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी था और मैं एक इंडिपेंडेंट था, तो उसके कुल 80,000 वोट आए थे और उचियाना से कुल 3334 वोट आए थे। पहला अजमाया रखा है, ये अखाड़ा जो है ये वही पुराने पहलवान है, अजमाया हुआ है। वहीं अगर लोगों की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि डम्मी कैंडिडेट उतारे हैं, गुड़गांव से जो सीट है कांग्रेस पार्टी की राज बब्बर को मिली है, और वहीं करनाल की अगर बात करें तो बुद्ध राजा को दी गई है, और वहीं मनोहर लाल को जिताने के लिए जो है कहीं ना कहीं हुड्डा ने ये गेम खेला है। अच्छा, 1989 में मन ने भी डम्मी कहे करते, भालू ने भी डम्मी कहे करते, अरे नौजवानों को मौका कहीं लेने दोगे कि नहीं? 4 जून को उन लोगों के मुँह पे चंपत लगेगा जब करनाल का नतीजा आएगा और बुद्धि राजा बड़े भारी वोट से जीतेगा। कहाँ मनोहर लाल, कहाँ बुद्धि राजा, यार किसका मुकाबला कर रहे थे? मनोहर लाल का तो कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। वहीं अगर बात की जाए तो जो चौटाला परिवार का दबदबा दिखाई दे रहा है, वहीं रणजीत सिंह चौटाला है, सुनैना चौटाला है, नैना चौटाला है, तो आप कैसे देखते हैं? दबदबा ना रोको, दौड़े की जमीन पर कब्जा करना है। दबदबा क्या है, तो लोग फैसला करेंगे भाई, इन्होंने फैसला करना है, जनता जिसके साथ होगी, जनता जयप्रकाश के साथ है, मैं जीतूंगा। आपके रोड शो में चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं दिखाई दी, हालांकि जो उनकी पत्नी है प्रेमलता सिंह जो कि पूर्व विधायक रही है, उनका कहना था कि जो है लास्ट तक जो है उसके सुपुत्र विजेंद्र सिंह का लिस्ट में नाम था, लेकिन टिकट कट गया, कहीं ना कहीं अंदर खाते नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे, ये थारे जो है ना गोदी मीडिया वाले न्यू में कंधे कंधे तो हम रह लोगे। 6 तारीख ने वीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, उदय भान जी और हमारे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के लोकल लीडरशिप और हरियाणा की लीडरशिप सारी आपको इशार दिखाई देगी। हर रोज हर कोई नहीं आया करता, और आपने भी आना है, लेकर आइए वीरेंद्र भाई। बात की जाए उनके साथी थे, बहुत सारे साथी आ रहे थे। वही अगर बात की जाए तो आप चंद्रमोहन से मिलेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है, चंद्रमोहन राजनीति करता है पंचकुला में, लेकिन मैं उसको बुलाऊंगा, जरूरत होगी तो जरूर बुलाऊंगा। अब जो जनरल इलेक्शन होता है, जिसकी जिसको जरूरत होती है आपस में बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, चंद्रमोहन को बुलाऊंगा। इसार में बढ़िया लगातार दबदबा रहा है, क्योंकि जो अभी बीजेपी से जीते थे बब्बे बिश्नोई जो कि आपको रहा था, इसमें क्या किया बढ़िया का? और मेरे भाई, जातिया के क्यों बात करो, तो बीजेपी ने नाश कर दिया, जात पात की राजनीति बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं। तो लगातार कांग्रेस की जो बात करें, किस तरह की मजबूती मिल पाएगी? कांग्रेस बड़ी भारी है, 4 लाख से जीतेगी। बिल्कुल, इस लोकसभा से प्रत्याशी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चंद्रमोहन है बिश्नोई, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, कोई कांग्रेस पार्टी में नाराजगी नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी भारी मतों से अब की बार 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी। अपने से किशोर कुमार के साथ परमजीत पवार, हरियाणा तक जींद।